हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा चैनल एग्जाम्स टेक में स्वागत है। आज है 24 सितंबर 2021। आज हम जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करने वाले और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट कर दे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है? और इसका ऑप्शन है 17 सितंबर, 19 सितंबर, 21 सितंबर और 23 सितंबर। और इसका आंसर है 23 सितंबर। और उसका थीम है, हम मानवाधिकार के लिए हस्ताक्षर करते हैं, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ये दिन बधिर लोगों के मानवाधिकार के पुण्य प्राप्ति में सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना। बधिरों का विश्व संघ WFD बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघ का एक संघ है जो प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और संकल्प 19 सितंबर 2017 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। ये पहली बार 23 सितंबर 2018 को मनाया गया था। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर सेक्शन का खिताब किसने जीता है? और इसका ऑप्शन है, अभिमन्यु मिश्रा, डी गुकेश, राहुल शर्मा और अंजलि राव। और इसका आंसर है डी गुकेश। उन्होंने नाबाद 10 में से 8.5 रन बने और ये टूर्नामेंट जीतने के प्रतियोगिता से पहले एक पुण्य अंक हासिल किया था। इनियन ने 10 में से 8.5 अंकों के साथ दूसरा स्तर हासिल किया है, शीर्ष से आधा अंक का कम है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक इंडिया के लिए सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन है, नीरज व्यास, स्वाति शर्मा, राजीव अग्रवाल और नीरा टंडन। और इसका आंसर है राजीव अग्रवाल। फेसबुक इंडिया ने पूर्व IAS अधिकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निर्देशक नियुक्त किया है। वो आकी दास की जगह लेंगी जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में ये कंपनी को छोड़ दी थी। अपने नई भूमिका में वो एक एजेंडा पर भारत में फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नीति विकास पहलों के परिभाषित और नेतृत्व करेंगी, जिसमें उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता समावेश और इंटरनेट शासन शामिल है। आज का चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? और इसका ऑप्शन है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे प्रौद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। मोबाइल फोन, TV और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सहायक उपकरण बनाने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करेंगी। आज का पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में अगले वायु सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन है, सुनील लांबा, विवेक राम चौधरी, बिपिन रावत और अजय माथुर। और इसका आंसर है विवेक राम चौधरी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाला है। वो परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना पदक का प्राप्त करता है। अबाउट इंडियन एयरफोर्स, इसका स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आज का छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन को विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया गया है? और इसका ऑप्शन है, 16 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर और 22 सितंबर। और इसका आंसर है 22 सितंबर। और इसका थीम है, पांचों को जीवित रखे, कीप द 5 अलाइव। इस दिन का उद्देश्य है गेंडे की 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और गेंडे के संरक्षण की दिशा में की गई प्रयासों को पहचानना। विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2010 में पहली बार इस दिन की घोषणा की गई थी और 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिन मनाया जा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश की जुड़वा बहन दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित जुड़वा बनी है? और इसका ऑप्शन है, जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस। और इसका आंसर है जापान। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2 जापानी बहनों को 107 की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित समान जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया है।
उमेना सुमियामा और कोमे कोडामा का जन्म 5 नवंबर 1913 को पश्चिमी जापान की सुडिशिमा द्वीप पर 11 भाई बहनों में तीसरा और चौथा स्थान पर हुआ था। वो 1 सितंबर तक 107 साल और 300 दिन के थे, जो कि प्रसिद्ध जापानी बहन किन नारिता और जिन कानी द्वारा 107 साल और 175 दिन में बनाई गई पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दी है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दाइन थैंक यू।